स्वागत है आप लोगों को हमारा चैनल पर। आज बात करेंगे होली के बारे में। होली के बारे में लगा दिया है सरकार ने होली में रोक, और किस तरह से होली मनाना चाहिए और किस तरह से नहीं मनाना चाहिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कोरोना के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा और नया अपडेट। और अगला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि कितना कोरोना कितना दिन में आए हैं और कुल कोरोना के संख्या कितने हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया था। और इस वीडियो में मैं दूंगा आप लोगों को नया जानकारी। तो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्राइवेट बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कोरोना के बारे में। राज्य झारखंड में कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और 2021 में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या कल मिले है, यानी कि शनिवार को सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या मिले है, रिकॉर्ड बना दिया है 2021 में शनिवार को। और ये शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या 340 मिले है, और राज्य के राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा मिले है। रांची में मिले है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 187 हो चुकी है, और कल ही शनिवार को कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है शनिवार को। और अभी झारखंड में कुल मरीजों की संख्या पार हो चुकी है 1,22,000 पार हो चुकी है मरीजों की संख्या, जो कि और मृतकों की संख्या 1,000 पार हो चुकी है राज्य झारखंड में कुल मिलाकर। और अभी एक्टिव केस है राज्य झारखंड में 1,000 पार हो चुके हैं, जो कि अगले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि 800 के कुछ थे एक्टिव केस, लेकिन अभी 1,000 पार हो चुका है एक्टिव केस मरीजों की। तो आप लोग ये वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ, अगर वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखा है जो पहले बनाया था तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फिर बात करते हैं होली के बारे में। राज्य झारखंड के सरकार श्री हेमंत सोरेन जी ने लिया होली के बारे में बड़ा फैसला, और कहा है कि जुलूस के साथ होली नहीं मनाया जाएगा, होली घर के अंदर मनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से कोरोना फिर से फैलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जुलूस के साथ होली ना मनाया जाए, घर के अंदर होली मनाना जाए, क्योंकि होली मनाने के लिए बहुत ही तेज़ी से फिर कोरोना फैल सकता है, इसीलिए जुलूस के साथ होली ना मनाएं और घर के अंदर मनाएं होली, इसीलिए ये फैसला लिया है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं इस तरह से करते हैं तो कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैलेगा, और फिर सरकार को मजबूरन एक लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, ये श्री हेमंत सोरेन जी का साफ कहना है। और कहा है कि आप लोग सावधानी बरसे और मास्क लगाए रखें और गाइडलाइंस का पालन करें और नियमों का उल्लंघन ना करें, नहीं तो फिर सरकार को मजबूरन लॉकडाउन के बारे में फैसला लेना पड़ेगा। तो यही था जानकारी देना आप लोगों को। तो जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की अपडेट खबर आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।